फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हिट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आबिद है, मैं मरहूम का खालू हूँ। तकरीबन 6 बजे के वक्त मेरे को फ़ोन आया कि भाई आज़म 1 बजे से रूम में बंद है। तो मैं जब आया तो लॉक था रूम, तो मैं दरवाजे को अपने ताकत से खोला तो देखा कि भाई आप अपनी जान दे दिए थे। जान देने का मकसद ये था कि भाई 2 साल पहले इनका निकाह हुआ था, शादी हुई थी। 2 साल के बाद, 2 साल रहने के जो उनके वाइफ थे उनके साथ रहने के बाद, 1 साल के बाद उनको मालूम हुआ कि इनको इलीगल अफेयर में है, जिसके रिकॉर्डिंग अभी तक भी उनके भाई के फ़ोन में, बहनों के फ़ोन में है। सो मसलन ये था कि भाई 6 महीने पहले बड़ों में बैठ के बात हुई थी कि भाई क्या करना है, कैसा करना है। जब बैठे तो उनके शौहर जो मरहूम आज़म थे, अपनी बीवी को माफ़ कर दिए, जो तुम करे गुनाह मैं माफ़ कर रहा हूँ, बस शर्त यह है तुम मेरे साथ आ जाओ, अपन अलग रह लेंगे, ना आप मेरे वालदा के पास रहना, ना आपके वालदा के पास रहना, अपन अलग रहेंगे। तो आप फरमाए, जो उनके बीवी थे फरमाए कि ठीक है, मेरे को 15 से 20 दिन का वक्त दो, मैं इंशाल्लाह आती हूँ। बोले 15 दिन गुजरे, महीना गुजर गया, 1 महीने के बाद फ़ोन आता कि भाई खर्चे को पैसे नहीं है, आप पैसे भिजाओ, मैं आपके साथ आती हूँ। तो मरहूम क्या करे, पैसे आपको 10,000 रुपये अकाउंट में डाले। उसके बाद फिर 15 दिन गुजरे, महीना गुजरा, 2 महीने हो गए, नहीं आए। तो ऐसे ऐसे करते करते 4 महीने हो गए। तो 4 महीने के बाद कल फ़ोन आता कि भाई बोलते 10,000 मेरे को बस नहीं हो रही, 17,000 की ज़रूरत है, अगर आप 17,000 नहीं देंगे तो मैं आपके ऊपर केस करती हूँ, कंप्लेन करती हूँ, मैं जेल को भिजाती हूँ। और उनका जो साला था, शायद उनका नाम मुस्तफ़ा है, उनको सुसाइड के मतलब उनको धमकियाँ दे रहा था, थ्रेट दे रहे थे उनको, उनको जान से मारा था। बल्कि ये सबकी वजह है कि भाई इलीगल अफेयर पकड़ा गया उनका 6 महीने पहले। इतनी बड़ी जो गलती माफ़ करने के बावजूद भी बंदे को इतना टॉर्चर कर दिए कि भाई आज बंदा अपनी जान दे दिया। तो बस हमारा ये मुतालबा है कि लोकल PS से और जो भी है बड़े, कि भाई मरहूम को बेहतरीन इंसाफ दिलाए। और उनके आप उनके दोस्तों से भी मालूम कर सकते, कि दोस्तों से नहीं पर चंद्रगुड़े में मालूम कर सकते कि बच्चा कैसा था, क्या है क्या नहीं। और इनके घर का जो उनके वाइफ है, उनके घर का इतना मतलब बुरा है कि भाई जो माहौल है, कोई अलग, एक घर में एक कोई शिया है तो कोई सुन्नी है तो कोई मेहंदी पठान है, एक ही घर में माँ सुन्नी है, बेटा शिया है, बेटी मेहंदी पठान है। उसको इतना टॉर्चर कर दिए कि ये जो माहौल बना के उन्हें आज सुसाइड कर लिया, जान दे दिया। और कहा, आप इनके भाई हैं, आप इनसे मालूम कर सकते। वैसे क्या मेरे पूरे महल्ले में मालूम कर सकते बच्चा कैसा था क्या है? बच्चा बहुत सीधा था, बच्चा हर बात पे ये बोलता था कि मैं फांसी ले लेता हूँ, तुम्हारे बात मेरे दिमाग में तो नहीं जा रही, हाँ तुम मर जाओ, तुम मर गए तो मेरे को क्या करना है, कुछ भी ना होता मेरा, बोलती थी। कहते बच्ची मेरे को नौकरी मिलती करती, मेरे को तुम्हारी नौकरी मेरे को मिलती, नौकरी चाकरी कुछ नहीं मिलती है, ठीक है ना। पैसों के आते तो हर महीना उसको पहली को पहली फ़ोन आता था, हंसी खुशी से फ़ोन आता था, पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं, 5 तारीख के बाद उसको फ़ोन ही नहीं आता था। 4-5 दिन उन्हें अच्छा रहता था, बाकी के 25 दिन उन्हें पूरी लाइफ उसकी खामोशी रहती थी। और इस चीज़ के हमारे पास पूरे एविडेंस और पूरे प्रूफ है, जो रिकॉर्डिंग है, जो बच्ची जो गैर मर्द से बात कर रही है कि भाई ये बात कर रही कि भाई मेरे को तुम्हारे साथ रहना है, मैं इसको छोड़ने वाली हूँ, ऐसा नहीं छोड़ती हूँ। कैसा छोड़ती हूँ कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कैसा छोड़ना है, उसको इल्म था। तो वो हिसाब से बंदे को इतना वो कर दिया कि भाई बंदा आज अपनी जान दे दिया। तो बस बोलना ये है कि भाई हमारे को बेहतरीन तरीके से इंसाफ होना और एक अच्छा फैसला निकल के आना इस चीज़ पर।